दोस्तों, स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, यानी कि लैंडलॉक देश है। किसी सीमा पर या समुद्र या महासागर से इसकी सीमाएं नहीं लगती। उत्तर में पोलैंड, दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेन और पश्चिम में चेक गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया से ये घिरा हुआ है। ये देश 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग होने के बाद बना था। इस देश से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, और ये बातें बहुत ही खास हैं। दोस्तों, यूरोपियन महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब स्लोवाकिया के बीच से होकर गुजरती है। 2850 किलोमीटर लंबी ये नदी 10 देशों में बहती है। नील नदी के अलावा दुनिया में शायद ही ऐसी कोई नदी हो जो इतने सारे देशों को कवर करती हो, है ना कितनी खास बात। वैसे आम तौर पर कोई भी देश अपनी राजधानी देश के बीच में रखना चाहता है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा होता है। लेकिन स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो दो देशों की सीमाओं से सटी है। ब्रातिस्लावा ऑस्ट्रिया और हंगरी की सीमा को छूती है। स्लोवाकिया एक संसदीय गणराज्य है जिसकी राष्ट्रीय परिषद में 150 सदस्य हैं। इन सदस्यों को हर 4 साल में आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2002 तक इस देश में सांसद राष्ट्रपति का चुनाव किया करते थे, लेकिन बाद में यहाँ के संविधान में संशोधन कर दिया गया। अब यहाँ राष्ट्रपति आम चुनावों द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जो इस्लाम को धर्म नहीं मानता। यहाँ धर्म की लिस्ट से इस्लाम का नाम हटा दिया गया है। इसको लेकर साल 2016 में यहाँ की सरकार ने एक कानून पास किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5000 के करीब मुस्लिम आबादी है यहाँ, लेकिन पूरे देश में एक भी मस्जिद नहीं है। है ना कितनी हैरानी वाली बात। ये बात जानकर तो आप वाकई हैरान होंगे कि इतने मुस्लिम होने के बाद भी यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं बनाई, क्योंकि ये लोग इस्लाम को धर्म मानते ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, स्लोवाकिया में जो मुस्लिम है वो तुर्क और उगर है, और 17वीं सदी से ही यहाँ पर रह रहे हैं। साल 2010 में स्लोवाकिया में मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी। स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है, लेकिन वो एक ऐसा देश है जो सबसे आखिर में इसका सदस्य बना। इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर विवाद भी हुए। 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी में इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर विवाद हुआ। दोस्तों, स्लोवाकिया की महिला बहुत ही खूबसूरत होती है और कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है। ये बेहद ही अट्रैक्टिव भी होती है। यहाँ की महिलाओं के पैर काफी लंबे होते हैं जो उन्हें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया एक विकसित देश है जो अमीर देशों की सूची में 40वें नंबर पर आता है। फिर भी यहाँ पर सतर्कता की संख्या करीब 11% है, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक है। स्लोवाकिया में करीब 50 लकड़ी के बने हुए चर्च आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इन चर्च में सबसे पुराना चर्च हेल्फ्टोव है, सन 1500 में इसे बनाया गया था। दोस्तों, स्लोवाकिया की सरकार हेल्थ पर बहुत ही कम खर्चा करती है, शायद इसी वजह से पूरे यूरोप में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की सूची में स्लोवाकिया पहले नंबर पर आ जाता है। जी हाँ, जो कि वाकई एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, 10 में से एक इंसान के पास यहाँ कार है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ स्लोवाकिया बहुत खूबसूरत है। ये अपनी खूबसूरती के लिए सबके दिलों पर राज करता है। दोस्तों, खूबसूरती के बारे में बात की जाए तो स्लोवाकिया किसी से कम नहीं है। स्लोवाकिया का एक सबसे खूबसूरत शहर है जिसका नाम है ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया का सबसे बड़ा शहर, साथ ही राजधानी होने के साथ साथ ब्रातिस्लावा ड्यूब नदी पर स्थित है, और ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों की सीमाएं यहाँ है। भव्य ब्रातिस्लावा कैसल की यात्रा के लिए यहाँ आने वाले लोग यहीं रुक जाते हैं। शहर के ऊपर एक पठार पर ये स्थित है। मूल रूप से 10वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। ये शहर हरे भरे वनस्पतियों के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ब्रातिस्लावा में और उसके आसपास कई पार्क, खुले स्थान और झीलें भी हैं, जो इसे और खूबसूरत और सुंदर बना देती है। अगर आप ब्रातिस्लावा के ओल्ड टाउन में जाते हैं तो टूरिस्ट ट्रेन की सवारी करना भूलिएगा मत। आपको शहर का सिटी स्टॉप टूर ये सवारी देगी। लिपटॉप के क्षेत्र को कई स्थानीय लोगों और स्लोवाकिया के ताज में गहनों के रूप में माना जाता है। इस तरह ये देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। स्लोवाकिया में सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट चश्ना लिपटॉप क्षेत्र में पाया जाता है। यदि आप यहाँ पर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग विकल्पों को चुनना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। यदि आप बर्फ की जगह पानी पसंद करते हैं तो आप एक्वा पार्क ट्रेडा लैंडिंग जा सकते हैं, जो पूरे मध्य यूरोप के सबसे बड़े वाटर पार्क में से एक है।
जहां सारा पानी थर्मल स्प्रिंग से आता है। कहा जाता है कि इसमें हीलिंग गुण होते हैं। स्थानीय लोक कथाओं में रुचि रखने वालों के लिए यूनेस्को की ये विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों ये है स्लोवा कास्ट गुफाएं। स्लोवाकिया लगभग 2500 गुफाओं का घर भी कहा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बहुत सारी गुफाएं हमारे सामने आ रही हैं। लगभग 400 को आज तक खोजा जा चुका है। गुफाओं के पूरे स्लोवाक कास्ट क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यदि आपको स्प्लैंकिंग पसंद है तो आप इस क्षेत्र की शानदार गुफाओं में से एक की यात्रा जरूर करिएगा। दोस्तों ये है कोसीसे। कोसीसे के आकर्षण शहर को 2013 में यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर का नाम दिया गया है और इसका एक महानगरीय अनुभव है जो पुराने को नए के साथ मिलाता है। ओल्ड टाउन को विजिट करें। यहाँ पर आपको मध्यकालीन वास्तुकला मिलेगी और बहुत सारी ऐसी इमारतें जो संरक्षित रखी गई हैं। गॉथिक शैली के बेहतरीन उदाहरण भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। 14वीं सदी में बने सेंट एलिजाबेथ कैथेड्रल और साथ ही सेंट माइकल चैपल जो इसी अवधि के है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं आपको पसंद आएंगी। दोस्तों ये है लेवोका। लेवोका में आपको यहाँ की संस्कृति और वास्तुकला देखने को मिलेगी। सेंट जेम्स का रोमन कैथोलिक चर्च यहाँ पर है जिसकी प्रसिद्धि का दावा ये है कि इसमें यूरोप में सबसे अधिक नक्काशीदार लकड़ी का यूज किया गया है। ओल्ड टाउन अभी भी मूल शहर की दीवारों से घिरा है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। टाउन स्क्वायर में आपको ओल्ड टाउन हॉल मिलेगा जो अब उन लोगों के लिए संग्रहालय है जो इस क्षेत्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। साथ ही लोहे का पिंजरा जो अभी भी चौक में स्थित है बल्कि आपको यहाँ की संस्कृति से रूबरू कराएगा। दोस्तों ये है पेस्टिनी। मुख्य रूप से एक स्पा शहर के रूप में ये जाना जाता है। कुछ आराम और मौज मस्ती करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। साथ ही यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है। औषधीय थर्मल पानी के साथ साथ सल्फ्यूरस मिट्टी में स्नान आप कर सकते हैं। बीमारियों का इलाज यहाँ अपने आप हो जाता है। यहाँ पर स्पा बहुत अच्छा होता है। स्पा के अलावा लंबी पैदल यात्रा यानी कि ट्रेवल आप कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ की वनस्पतियों से यहाँ के जीवों का अनुभव लेना मत भूलेगा। स्पा द्वीप पर पार्क क्षेत्र में आप चल सकते हैं। फवारे और मूर्तियां आपको जगह जगह नजर आ जाएंगी। दोस्तों ये है ट्रैकिंग। जी हाँ ये एक शहर है, आप देख ही रहे हैं। चेक गणराज्य के साथ सीमा के पास ट्रैकिंग शहर ऐतिहासिक है। एक चट्टान के ऊपर ये है और इसको दो भागों में, दो साइट्स में विभाजित किया गया है। दोस्तों ये थी स्लोवाकिया की यात्रा। आपको ये देश कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वो कौन सी जगह है, वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, हमें इंतजार होगा। हमारे चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।